मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे रक्षा औद्योगिक गलियारा के बारे में। रक्षा गलियारा एक मार्ग या एक पथ को संदर्भित करता है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा MSME द्वारा मिलकर रक्षा उपकरणों का घरेलू उत्पादन किया जाता है ताकि रक्षा बलों की परिचालन क्षमता में वृद्धि हो सके। एक औद्योगिक गलियारे को एक विशेष स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो औद्योगिक विकास गतिविधियों को चलाने के लिए प्राधिकरण द्वारा चुना गया है। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में देश में रक्षा क्षेत्र से जुड़े निजी और सार्वजनिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है जिसमें दो रक्षा गलियारों को विकसित किया जाना शामिल है। कितने रक्षा गलियारों को? दो रक्षा गलियारों को विकसित किया जाना शामिल है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि कितने रक्षा गलियारों को डेवलप करने की बात कही गई है, तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि दो के लिए बात कही गई है। ठीक है ना, दो होना चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, इनमें से एक गलियारा तमिलनाडु में बनेगा। कहां बनेगा ये? तमिलनाडु में बनेगा, जो कर्नाटक तक जाएगा। मतलब तमिलनाडु से बनेगा और कर्नाटक कहां तक जाएगा? कर्नाटक तक जाएगा। और दूसरा गलियारा उत्तर प्रदेश में विकसित किया जाएगा। कहां विकसित किया जाएगा? दूसरा यूपी में, उत्तर प्रदेश में विकसित किया जाएगा। पहला रक्षा गलियारा तमिलनाडु में बनेगा जो चेन्नई से बेंगलुरु जाएगा। यह गलियारा तमिलनाडु के चार अन्य शहरों को चेन्नई से जोड़ा जाएगा। यह चेन्नई को होसुर, कोयम्बटूर, सलेम और त्रिचलापल्ली से जोड़ते हुए बेंगलुरु तक जाएगा। इस गलियारे को क्वाड या चतुर्भुज गलियारा कहते हैं। कि अब पूछा जा सकता है कि किस गलियारे को जो है क्वाड या चतुर्भुज गलियारा कहते हैं, तो तमिलनाडु गलियारे को क्या कहते हैं? क्वाड या चतुर्भुज गलियारा कहते हैं। इस गलियारे से हथियार और सैन्य उपकरण बनाने वाले उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये मतलब ये चतुर्भुज गलियारा है, इसमें हथियार और सैन्य उपकरण बनाने वाले उद्योगों को क्या किया जाएगा? करीज किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। यह गलियारा 2030 तक 400,000 नए रोजगार के अवसर मुहैया कराएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इस समय बेरोजगारी बढ़ रही है और ये रोजगार देने की बात हो रहा है, तो निश्चित तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके साथ ही इसमें 1,50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कितने का निवेश होगा? 1,50,000 करोड़ का निवेश होगा। 1,50,000 करोड़ का निवेश होना यहाँ पर तय है। ठीक है, इस गलियारे के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना क्षेत्र की कंपनी GMR समूह, कौन सा समूह? GMR समूह के जो है वो तमिलनाडु के होसुर में एरोस्पेस तथा रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाएगी। कहां रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाएगी? होसुर में। कहां? तमिलनाडु के होसुर में। यह परियोजना GMR समूह और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का संयुक्त उपक्रम है। अब दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारा की बात करते हैं। दूसरा रक्षा औद्योगिक गलियारा उत्तर प्रदेश में विकसित किया जाएगा। कहां विकसित होगा? यूपी में विकसित किया जाएगा। इस गलियारे का विस्तार आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़ और चित्रकूट तक किया जाएगा। कहां कहां किया जाएगा? आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़ और चित्रकूट तक किया जाएगा ताकि बुंदेलखंड का विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस गलियारे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कितना निवेश किया जाएगा? 20,000 करोड़। एक्चुअली ये यूपी से रिलेटेड है, जो यूपी की स्टूडेंट है वो ज्यादा केयरफुल इसको देखेंगे, उनको आगे के आईएएस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो आगामी पीसीएस होने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस कॉरिडोर से सबसे अधिक लाभ बुंदेलखंड को मिलेगा। कॉरिडोर में जल्द से जल्द कंपनियां आए, इसके लिए केंद्र सरकार ने डिफेंस इन्वेस्टर सेल बनाया है। क्या बनाया है? डिफेंस इन्वेस्टर सेल बनाया है।
इस कॉरिडोर के बनने के बाद 2.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। यहाँ पे कितना होंगे? 2.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी परियोजना है, एग्जाम के दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यूपी में निवेश का क्या कारण है? क्योंकि बुंदेलखंड में बड़ा लैंड बैंक है। लैंड बैंक होने का मतलब बहुत सा जमीन यहाँ खाली है, गैर उपजाऊ जमीन भी है, तो उसका सब यूज यहाँ पे हो सकता है। यूपी में लेबर काफी सस्ता है, इस कारण से भी देश के कई बड़े प्रतिष्ठित रक्षा उपकरण बनाने वाले संस्थान यूपी में है, इस कारण से भी यहाँ यूपी निवेश का निवेश में यूपी में निवेश करने का कारण बना। कॉरिडोर में से सब ये सब होगा, और भी क्या चीजें होंगी? मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रक्षा प्रौद्योगिकी ही होगा, और भी होगा। वो क्या है देख लेते हैं, ड्रोन, वायुयान और हेलीकॉप्टर असेंबलिंग सिस्टम, डिफेंस पार्क, बुलेट प्रूफ जैकेट, रक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने का उपकरण, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डिफेंस इनोवेटिव हब आदि औद्योगिक कॉरिडोर में होंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ये एग्जाम बल्कि इस पूरे वीडियो को दो बार देख लेंगे, तीन बार, तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। अगर फ्रेंड्स पीडीएफ चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो से काम नहीं चल पा रहा, एग्जाम बहुत नजदीक है आप लोग का, वो मुझे पता है, आप लोग लगातार हमसे पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं, निश्चित तौर पे मैं पूरा करने का प्रयास करता हूँ। हाँ, अब ये तो मैं अभी से ही आपको बता दे रहा हूँ कि 100% तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन जो कुछ भी पॉसिबल हो पाता है हम उसको पूरा आप सबको प्रयास करते हैं। अगर आपका उसके लिए कनेक्ट होना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो हमारा टेलीग्राम नंबर है 9452936338, आप मैसेज कर सकते हो। तो अगर सब कुछ सही रहा तो हम आपको वहां पे अधिक से अधिक पीडीएफ प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।